दोस्तों बकरी पालन सब लोग करते हैं लेकिन बकरी पालन में फेल हो जाते हैं। जानते हैं उसका सबसे बड़ा रीजन? बकरी तैयार करने के बाद, बकरा तैयार करने के बाद लोग उस बकरे बकरी को या उसके बच्चे को सही रेट में बेच नहीं पाते हैं। कहने का मतलब सही दाम में बेच नहीं पाते हैं। जब तक उसको सही दाम में आप नहीं बेचोगे, आप फार्म नहीं चला सकते हो। आपका फार्म बंद हो जाएगा, आपका फार्म घाटे में चलेगा। आप बकरे बकरियों को खिलाते जाएंगे, वो खाती जाएंगी और मेगनी करती जाएंगी, लेकिन आपको बकरी पालन में फ़ायदा नहीं होगा। चूँकि आप बकरी पालन कर रहे हो, बच्चे को या बकरी को या बकरे को संभाल रहे हो, उनको तैयार कर रहे हो, और आप उसको सही दाम में बेच नहीं पा रहे हो। जब तक आप उसको सही दाम में बेचोगे नहीं, तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो दोस्तों, आज हम इसी चैप्टर पर बात करेंगे कि बकरे बकरियों को सही दाम में, सही रेट में कैसे बेचें। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, मेरी बात को ध्यान से सुनना है। चूँकि आप किस राज्य में हो, किस शहर में हो, किस मार्केट के नज़दीक हो, ये आप अपने हिसाब से देख लेना आप कहाँ पर हो, और उस मार्केट में गोश्त बकरे का, मीट का क्या रेट चल रहा है। जब आपको रेट पता होगा, मार्केट में बकरे के मीट का, गोश्त का रेट पता होगा, तभी आप अपने बकरे बकरियों को कटिंग मार्केट में बेच सकते हैं। कटिंग के लिए मैं सिर्फ बात करूंगा कटिंग मार्केट का। चूँकि ब्रीड, अगर आप ब्रीडिंग पर्पस से कर रहे हो और आप ब्रीड पर काम कर रहे हो, तो आप बर्बरी पे कर रहे हो, जमुनापारी पे कर रहे हो, सोजत पे कर रहे हो, बोर पे कर रहे हो, किस पर कर रहे हो, इनका अलग रेट होता है। चूँकि ये ब्रीडिंग पर्पस के लिए होते हैं, तो ब्रीडिंग पर्पस का रेट अलग होता है। और ज़्यादातर किसान कटिंग मार्केट, गोश्त मीट के लिए बकरी पालन करते हैं। तो दोस्तों, आपको आपके मार्केट का रेट मालूम होना चाहिए। जब आपके मार्केट का रेट आपको मालूम होगा, तभी आप अपने बकरे बकरियों को बेच सकते हैं या उनके बच्चों को सेल कर सकते हैं। जैसे कि मैं, आपको दिख रहा होगा मेरे पास कुछ बर्बरी हैं और कुछ बर्बरी क्रॉस हैं। मैं ब्रीड पर भी काम कर रहा हूँ, उनको आगे बढ़ाना है मुझे, और साथ में क्रॉस ब्रीड पर भी काम करना है मुझे कटिंग मार्केट के लिए। तो दोस्तों, आते हैं मेन चैप्टर पर कि बेचे कैसे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि जैसे आप गांव में हो चाहे शहर में हो, बकरे बकरियां खरीदने वाले घूमते रहते हैं। कोई बकरीद के लिए ख़रीद रहा है, कोई होली दिवाली दशहरा के लिए ख़रीद रहा है, तो कोई किसी शादी फंक्शन पार्टी के लिए ख़रीद रहा है। कटिंग मार्केट वाले काट करके गोश्त बेचने के लिए वो घूम रहे हैं, वो ख़रीद रहे हैं, और कुछ ट्रेडर घूमते हैं गाँव, शहर शहर, और कुछ दलाल होते हैं जो कि बकरे बकरियों को ख़रीदते हैं घूम करके। तो सबसे मेन पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं आपको बकरी पालन में, ये कोई भी फार्मर आपको नहीं बताएगा, ना तो रेट बताएगा और उससे बचने का तरीका भी नहीं बताएगा। मैं बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले रेट की बात करेंगे, बाद में बकरे बकरियों को। जैसे मैंने अभी नाम लिया, ट्रेडर, कटर, दलाल, दिवाली दशहरा और बकरीद के लिए लोग घूमते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे कि ये बकरा है, थोड़ा दृश्य दिखाइए ताकि सबको समझ में आ जाए, ये बकरा है। वो लोग आते हैं सीधा यहाँ पकड़ते हैं, उसकी जो रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं सीधा वहाँ पकड़ते हैं और पकड़ करके उसको दबा देते हैं। वहाँ पर ऐसी नसें होती हैं कि वो नस दब जाता है, जिससे बकरे बकरियों का ग्रोथ रुक जाता है। जैसे कि मैं इसी पर बता रहा हूँ आपको, वो लोग आते हैं सीधा यहाँ पकड़ते हैं, ये यहाँ पर इसको ऐसे पकड़ करके अगर दबा देते हैं। तो सावधान दोस्तों, आपको किसी को भी, कोई कटर हो या बकरीद के लिए लेने आया हो या किसी त्यौहार के लिए लेने आया हो, कोई दलाल हो, कोई ट्रेडर हो, या कोई आपका गांव का, घर का लोकल आदमी हो, किसी छोटे मोटे पार्टी फंक्शन के लिए लेने आया है, तब भी आप बकरे बकरियों को उनको टच मत करने दो। बोलो भाई आप दूर से देखो। जब वो यहाँ पर टच कर देते हैं, वो यहाँ ही पर टच करके देखते हैं कि इसमें कितना मीट है, इसका कितना बढ़िया ग्रोथ है, इसमें कितना निकलेगा, तो वो क्या करते हैं कि वो वहाँ पर पकड़ के दबा देते हैं। जब वो यहाँ पकड़ करके ऐसे दबा देते हैं, तो इनका ग्रोथ रुक जाता है। बकरे हों या बकरियाँ हों या बच्चे हों, वो सूखने लगते हैं। जब वो सूखने लगते हैं, तो उनको पता है कि मैं यहाँ पर रोज़ घूम घूम के आता हूँ, जब ये सूखने लगेगा, बीमार हो जाएगा, तो ये मजबूरी में हमको बेचेंगे। इसके लिए आप बकरे बकरियों को किसी को भी टच करने मत दो, कोई भी हो, आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो।
सिर्फ आप बकरी पालन कर रहे हो, आपके घर परिवार के लोग हैं जो आपका साथ दे रहे हैं बकरी पालन में, वही लोग जो है कि उसको टच करें, बाकी कोई दूसरा व्यक्ति टच ना करे। तो दोस्तों ये तो मैंने बता दिया मेन पॉइंट। अब आते हैं रेट पर कि बकरे बकरियां आपको बेचना कैसे है। दोस्तों जैसे कि मुझे इसको बेचना है, मैं इसको खिलाता हूँ, मैं इसको जिलाता हूँ, मैं इसको चारा दे रहा हूँ, मैं इसका टट्टी पेशाब साफ कर रहा हूँ, पूरे फार्म की सफाई कर रहा हूँ, तो मुझे इसका बराबर भरपूर कीमत मिलना चाहिए। अगर भरपूर कीमत नहीं मिलेगा तो मुझे बकरी पालन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे लॉस होगा और मेरा फार्म बंद हो जाएगा। अब चूंकि दोस्तों इसमें आपको करना क्या है, जैसे मैंने पहले कहा कि आपके मार्केट में किस रेट में गोश्त बिक रहा है। जैसे हमारे यहाँ 600 से 700 रुपए किलो बकरे का गोश्त बिक रहा है। मैं अपने मार्केट की बात कर रहा हूँ, मैं बनारस ज़िले से, तो हमारे बनारस ज़िले में और हमारे यहाँ मार्केट में गंगापुर मार्केट है, वहाँ पर 600 साढ़े 600 700 रुपए किलो बकरे का मीट बिक रहा है। तो दोस्तों पहले बता दिया कि ब्रीड की बात ना करें, ब्रीड पर ना जाए, ब्रीड की मत सोचो, उनका अलग रेट होता है, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं कटिंग मार्केट। तो अब इनको बेचना कैसे है। अब जैसे ये मेरा बकरा है, इस मुझे मालूम होना चाहिए इसका वजन कितना है। तो बकरी पालन में दोस्तों आपके पास कौन सी ब्रीड है, छोटी ब्रीड है बड़ी ब्रीड है, उसके हिसाब से कांटा आता है 500 600 1000 2000 का, जैसा आप लेंगे वो कांटा रखें अपने घर पर। ऐसे अंदाज मत लगाएं कि नहीं ये 12 किलो होगा, मुझे इतना मिलना चाहिए, तो आप एक कांटा रखें अपने घर पर और जब उसको बेचना हो तो उसका वजन करें। वजन करने का बहुत सारे तरीका है, आप बड़ा कांटा लें जिसके ऊपर बकरे बकरियां खड़ा करके आप वजन कर सकते हैं, जैसे मुर्गियों को लटका कर किया जाता है। तो यहाँ पर एक कपड़ा बनाते हैं दोस्त, यहाँ पर ऐसे कपड़ा बनाते हैं, चौड़ा कपड़ा, मजबूत बढ़िया कपड़ा बनाते हैं, उसमें बकरे को करके आप हैंग करके वजन कर सकते हो, यूट्यूब पर आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। दोस्तों ये सब चीज़ कोई बताएगा नहीं, इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं BNS Goat Farm। अगर आपका कोई कमेंट मैसेज है तो आप मुझे वहाँ पोस्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं रेट की। जब आपको वजन मालूम रहेगा बकरे या बकरी का, तब आप उसको सही दाम में बेच पाओगे। और बेचना कैसे, जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ 600 साढ़े 600 700 रुपए किलो गोश्त है। अब हमको करना क्या है दोस्तों, हमारा बकरा तैयार है, एग्जांपल 10 किलो उसमें मीट निकलेगा, मुझे पता है मैं काम कर रहा हूँ तो ये इतना वजन है, अगर वो 10 किलो उसमें मीट निकलेगा तो इसका दाम कितना होना चाहिए, 20 किलो मीट निकलेगा तो इसमें कितना दाम होना चाहिए। चलें 30 किलो का मेरा अक्खा बकरा है, खड़ा लाइव जिंदा बकरा मेरा 30 किलो का है, तो उसको किस भाव में बेचें, बात को ध्यान से गौर से समझिएगा तभी आपको समझ आएगा। एग्जांपल 30 किलो का बकरा है तो उसको हमारे यहाँ मार्केट में 600 700 साढ़े 600 रुपए किलो गोश्त बिक रहा है, तो उस बकरे को मैं 400 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचूँगा, 400 रुपए पर केजी, 30 केजी का बकरा है तो 4 के हिसाब से 12 हज़ार रुपए का हो गया। अगर जब आपको उसका वजन नहीं मालूम रहेगा, आप वजन का सही अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे, तब आप सही रेट नहीं लगा पाएंगे। जो मैं जैसे मैंने कहा लोग घूमते हैं, जब लोग वो लोग घूमते हैं तो वो लोग बकरे बकरियों का 60% ही दाम लगाते हैं। अगर आप मांगोगे 10,000 तो वो बोलेगा 6,000 देंगे भैया हम, फिर उसमें आपको मोल भाव बार्गेनिंग करेगा, 6,500 ले लो, 7,000 ले लो, चलो 200 रुपये और ले लो। तो भैया उसके ऊपर बात ही नहीं करना है, आपको बार्गेनिंग नहीं करना है, सीधा भैया हमारा इतने का माल है हमको इतना चाहिए। क्योंकि जब आप 400 रुपये में दोगे कटिंग मार्केट में या बकरीद पर, तो वो लोग काटेंगे तो उसको 600-700 रुपये बेचेंगे, उनको अच्छा खासा पैसा बच जाता है, उनको अच्छा खासा पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ सोनभद्र हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, चंदौली डिस्ट्रिक्ट हो गया है, ये लोग क्या है पहाड़ों में हैं, जंगलों में हैं नहीं, उधर थोड़ा थोड़ा है पहाड़ जंगल है, नहर है, खेतियां हैं, तो लोग बकरे बकरियों की स्टाल फिट पर ना रख करके वो चराई पर रखते हैं, और उनके बकरे बकरियां जीरो खर्च पे या 2-4 रुपए के खर्च पे जो है कि तैयार होते हैं, और वो लोग बहुत सस्ते में बेच देते हैं। तो मैं आगाह करूँगा सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली के किसानों को कि बकरे बकरियों का बेचने का आप तरीका समझें, देखें, परखें, फिर जो है कि आपको अच्छा मुनाफा होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं रेट पर। अब आप किस मार्केट में हो, किस शहर में हो, जैसे मुंबई शहर में देखें
कितना महंगा गोश्त बिक रहा है, अच्छी अच्छी नस्ल की अच्छी अच्छी ब्रीडों की वहाँ पालन हो रहा है और वहाँ पर वो लोग कट रहे हैं, तो वहाँ पर आप उसके हिसाब से बेचें। आप चेन्नई में हैं, आप दिल्ली में हैं, आप कोलकाता में हैं, आप लखनऊ में हैं, या आप इंडिया के किसी शहर में हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में हैं, किस मार्केट के पास में हैं, तो आप वहाँ पता करें और उसके हिसाब से, जैसे मैंने बताया कि कटिंग मार्केट में अगर 6-650 रुपये का बिक रहा है तो आप 400-450 रुपये किलो खड़ा जिंदा के हिसाब से आप बेचें। ये हो गया बकरे की बात। अब बात करते हैं बकरी, पाठी बकरी। पाठी बकरी भी किसी बकरे से कम नहीं होता है दोस्तों, वो सिर्फ बकरी होती है, मेल फीमेल का फ़र्क है, लेकिन उसके गोश्त बहुत बढ़िया होता है, उसका मीट का स्वाद बहुत बढ़िया होता है। ये लोगों को पता नहीं है, किसानों को पता नहीं है, खाने वालों को पता है, बेचने वालों को पता है, लेकिन किसानों को पता नहीं है, जो फार्मिंग कर रहे हैं, जो घरों में अपने एक दो बकरियाँ पाल रहे हैं, उनको पता नहीं है। अगर बकरी ने बच्चा नहीं दिया है, बकरी गाभिन नहीं है, उसका मीट उसका गोश्त बहुत बढ़िया होता है, वो भी बकरे के भाव में जाएगी। लोग यहीं पर गलती करते हैं, चूक जाते हैं कि उसको कम रेट में बेचते हैं। हाँ, कम रेट में बकरी बिकती है जो ज़्यादा ब्याद की हो गई, या दुबली पतली है, कमज़ोर है, या बीमार है, तो भी वो 300-350 रुपये किलो के हिसाब से दोस्तों बिक जा रही है। मैं बेचता हूँ, हमारे यहाँ बिक रहा है, मैं फार्मिंग कर रहा हूँ कुछ सालों से, मैंने बहुत से बकरे बकरियाँ ख़रीदा है और मैंने बेचा है। अभी जैसे कि बर्बरी देखिए, मैं बाहर से ख़रीद के लाया हूँ, दिखाइए इनको ज़रा, ये बर्बरी, ये दो पीस मैं ख़रीद के लाया हूँ बाहर से, और इधर दिखाइए ये क्रॉस ब्रीड। मैं बकरी पालन कर रहा हूँ, मैं बर्बरी का बड़ा बकरा लाया था, उनसे जो है कि अपने देसी बकरियों को क्रॉस करवाया, उनके बच्चे लिए, दिखाइए कितने रिष्ट पुष्ट हैं ये क्रॉस ब्रीड। देखिए थोड़ा नज़दीक से दिखाइए इनको, किसी को भी दिखाइए, ये देखिए किस तरीके से है। आज एक भाई ने कमेंट किया कि क्या आपके बकरे बकरी का वज़न बढ़ा, तो देखिए इधर देखिए, उस भाई को मैं बता रहा हूँ ऐसे ही बगैर वज़न किया बता रहा हूँ, आप देखिए किस तरीके से इसका ग्रोथ है। तो दोस्तों ये छोटा सा जानकारी था जो हमने आपके साथ शेयर किया। एक बार फिर कह रहा हूँ, आप अपने मार्केट में पता करें और उसके बाद ही आप बकरे बकरियों को सेल खरीद फरोख्त करें, वरना आप बकरी पालन में फेल हो जाओगे। तो आप फेल ना हो, आप सफल हो और उससे अच्छा आमदनी कमाओ। बकरी पालन आमदनी कमाने का बहुत बढ़िया जरिया है दोस्तों। तो दोस्तों ये छोटा सा जानकारी था जो हमने आपके साथ शेयर किया। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर देना, ताकि हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, हमारा मनोबल, हमारा जो कि बढ़ता है आपको अच्छी अच्छी जानकारी ढूंढ के लाने का और आपको दिखाने का। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।